हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ ब्लॉग। मैं अभी छत पे आई तो मैंने सोचा आज मुझे ब्लॉग बना लेना चाहिए, या क्योंकि मैं 1 वीक से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, कोई भी ना मेकअप ट्यूटोरियल ना ही कोई ब्लॉग, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब था। आप देख सकते हैं पूरा दवा का रिएक्शन मेरे फेस पर। तो अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और आज मुझे पार्टी में भी जाना है, तो मैंने सोचा आज का दिन काफ़ी अच्छा है ब्लॉग के लिए। मैं अभी अपने छत पे हूँ, बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि मेरे घर के सामने जस्ट बिल्डिंग बन रहा है, नया फ्लैट अपार्टमेंट बन रहा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्यों इतना शोर होता है। तो चलिए, मैं फिलहाल अपने छत पर हूँ, आप देख सकते। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, जैसा कि आपने देखा सामने बिल्डिंग बन रहा है, इसके लिए बहुत शोर भी होगा। अगर मैं आपसे बातें करूँगी तो उसमें बहुत ज़्यादा शोर भी होने वाला है। तो मैं अभी आई थी छत पे, मुझे थोड़ा काम था। आप देख सकते हैं, पता नहीं क्यों ठंड के विंटर में, ठंड के मौसम में पौधे क्यों इतना सूख जाते हैं। आप देख सकते बहुत ज़्यादा ही, बहुत पहले तो आपने पहले मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, उससे बहुत अच्छा था, बट अभी बहुत सब सूख गया है। ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, मौसम के हिसाब से ही होता है। अभी आज धूप भी नहीं है, आज थोड़ा ठंड यहाँ पे ज़्यादा है। तो चलिए, मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, पहले ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। क्योंकि मुझे आज रेडी भी होना है, मैं सोच रही हूँ गेट रेडी विथ मी भी मैं आप लोग के साथ शूट कर लेती हूँ। मैं वो ब्लॉग में ही सोच रही हूँ ऐड करने के लिए, मैं अलग से कोई वीडियो नहीं सोच रही हूँ अभी। तो अब मैं सोचूंगी कि रोज़ रोज़ मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो चलिए, मैं कुछ ज़्यादा ही तो बोलती हूँ ना, सॉरी अगर आप लोग को बुरा लगे तो फिर तो चलिए चलते। अब मैं तो नहीं बोलूँगी, चलिए चलते हैं कि मैं क्या बनाती हूँ, मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। Thank you.
सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने पहले लगाया था रेड लिपस्टिक डार्लिंग ईशा वेला का, बट मैंने अभी अप्लाई किया ये ब्लू हेवन का एलिगेंस, ब्लू हेवन एलिगेंस मैट लिप कलर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए मैंने ये अप्लाई किया। इसका शेड नंबर है 01। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सुन सकते हैं नॉइस, आप देख सकते हैं रोड, रोड के पास घर है तो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आता है। एंड जब मैं मेकअप करी तो मैंने एक चीज़ और भी स्किप कर दिया, मस्कारा जो मैंने अभी जाके अप्लाई किया, वो मैंने ब्लू हेवन का मस्कारा अप्लाई किया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और मैं हो गई हूँ रेडी। आप देख सकते हैं ये ड्रेस मैंने दीपावली पर पहना था, तो दीपावली पर पहना था उस दिन, तो मैंने ब्लॉग शेयर नहीं किया था, बट हाँ दीपावली मेकअप लुक पर मैंने ये ड्रेस शेयर किया हुआ है। आज मैं फिर से कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, अच्छा लग, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, मैंने ये लेके दूसरी बार ही पहना है, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो चलिए अब निकलने का भी टाइम हो गया, दिन का फंक्शन है, मैंने आपको नहीं बताया कि दिन का था, तो इसके लिए मैं सुबह आपसे बात की, उसका फिर मैंने आपसे बात नहीं किया क्योंकि बहुत हड़बड़ी रहता है, दिन का फंक्शन रहता तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहता, घर का भी काम करो, फटाफट रेडी भी होना है, तो इसके लिए आज दिन का फंक्शन था। मेरे फ्लैट में ही एक अंकल है, उन्होंने एक घर लिया है तो उसी का फंक्शन रखा है, पार्टी है, अभी तक पापा आए नहीं, पापा आ जाए तो फिर हम लोग फटाफट से निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी चूड़ियाँ, मैंने ज़्यादा नहीं पहना क्योंकि ड्रेस ऑलरेडी थोड़ा हैवी है, तो इसके लिए ये मैंने थोड़ा कम चूड़ियाँ पहना है। अब मैंने इयररिंग पहना है गोल्ड का, देख सकते कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने बहुत फटाफट से मेकअप किया, मैंने बहुत तामझाम नहीं किया है, कोई कॉन्टोर वगैरह नहीं किया, मैंने बहुत सिंपल सा मेकअप किया है। तो चलिए मैं थोड़ा देर से आपसे मिलती हूँ। सो गाइस हम निकल चुके हैं, देख सकते हैं बाकी सब आगे आ गए, मैं पीछे पीछे हूँ, सॉरी मैं बहुत स्लो स्लो बोल रही हूँ। सो गाइस हम लोग खा चुके हैं, हम लोग का लंच हो गया है, काफ़ी लेट भी हो गया है, एंड अब मैं जा रही हूँ घर पे। आप देख सकते हैं मिला है हमें मीठा पान, मैं जा रही हूँ पहले मीठा पान खाने के लिए, उसके बाद तो चलिए मैं आप सब घर पे मिलती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर पे है, तो हम लोग ऐसे ही चले जाएँगे, चलिए मैं आपसे मिलती हूँ घर पर। सो गाइस फाइनली मैं घर पर आ चुकी, घर पर नहीं मैं छत पर आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है टिकटॉक वीडियो, क्योंकि आज ही तो मुझे इतना टाइम मिला कि मैं टाइम क्या तबीयत आज ही थोड़ा ठीक था कि मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना सकूं, थोड़ा आप लोगों से बातें कर सकूं एंड थोड़ा टिकटॉक वीडियो भी बना सकूं। अब इतना रेडी हुए तो थोड़ा तो टिकटॉक वीडियो बनाना चाहिए ना। सो वैसे और फिर मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो को भी एंड कर देती हूँ, वैसे मैंने कुछ खास दिखाया नहीं है, ना ही मैंने कुछ खास, ये वीडियो में कुछ खास तो नहीं था, बट जो भी था मैंने संडे ब्लॉग में संडे को मैं क्या क्या की आज का दिन मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब करके छोटा सा बेल बटन होगा उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि आगे से कोई वीडियो डालो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ गाइस जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मेरा 1K हो जाए, सबसे पहला टारगेट हर यूट्यूबर का होता है कि उनका 1K हो जाए, अब मेरा भी सबसे पहला टारगेट यही है कि मेरा 1K हो जाए जल्दी से जल्दी।
और मैं बहुत मेहनत भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैंने बहुत वीडियो डाल दिया बट कुछ हो नहीं रहा है, तो मेरा थोड़ा दिल टूट रहा है। एनीवे छोड़िए, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत से कुछ भी नहीं होता। मैं मेहनत कर रही हूँ अपनी तरफ से, आप लोग प्लीज़ पूरा वॉच करिए एंड शेयर करिए अगर थोड़ा भी आप लोगों को लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।